नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के ऐसे चावल के बारे में जो ठंडा पानी में भी पक जाती है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल इस चावल की खासियत ही यही है कि इस चावल को पकाने के लिए किसी चूल्हे या रसोई गैस की जरूरत नहीं है। इसे सामान्य पानी में रखने पर 40 से 60 मिनट के अंदर ही खाने योग्य भात तैयार हो जाता है। इस चावल को उच्च ताप पर पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिहार के बगहा में रहने वाले विजय गिरी ने इस मैजिक धान की खेती करके एक नई पहल की शुरुआत की है। विजय गिरी ने अपने गांव हरपुर सोहसा से इस खेती की शुरुआत कर दी है। मूलतः यह धान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम में माजुली द्वीप पर उगता है। बताया जाता है कि कुछ किसान इस धान को बंगाल में लेकर आए थे, यहाँ से इसकी अच्छी उपज होने लगी। बंगाल के वर्धमान, नदिया समेत कई जिलों में इसकी खेती की जा रही है। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने इसके व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने की घोषणा की है। विजय गिरी पिछले साल पश्चिम बंगाल के कृषि मेला में गए थे। विजय गिरी ने शुरुआत में इस धान की खेती 1 एकड़ जमीन पर शुरू की। सबसे खास बात यह है कि इस धान की खेती में रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती और अच्छी पैदावार भी होती है। इस चावल की खेती में सिर्फ जैविक खाद का ही इस्तेमाल किया जाता है। खेत टू हार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मैजिकल धान की खेती में बहुत ज़्यादा लागत भी नहीं लगती है। इसमें रासायनिक खाद की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी फसल 150 से 160 दिनों में तैयार हो जाती है। मार्केट में इसकी कीमत भी अच्छी खासी मिल जाती है। बाजार में इस चावल को लगभग 40 से 60 रुपये प्रति किलो बेचा जाता है। यह मैजिक चावल शुगर फ्री होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा भी सामान्य चावल की तुलना में अधिक होती है। विजय गिरी इस खास चावल के प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं। उनका मानना है कि इस चावल को जितनी अधिक पैदावार होगी उतना अधिक किसानों को फायदा होगा। इस मैजिक धान की खेती करने वाले किसान बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले इस चावल का इस्तेमाल हमारे सैनिक किया करते थे। वास्तव में युद्ध के दौरान सैनिकों को खाना पकाने में दिक्कत होती थी, इसलिए सैनिक इस चावल को ठंडे पानी में पकाते थे। इस खास किस्म के चावल को कमल चावल कहा जाता है और यह चावल भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। अब बिहार में भी इस चावल की खेती की शुरुआत हो गई है और उम्मीद है कि जल्द ही बिहार में भी इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा। सबसे खास बात यह है कि इस चावल का उत्पादन कर किसानों को अधिक लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि इस चावल के उत्पादन में लागत बहुत कम है और बाजार में इस चावल को अच्छी खासी कीमत भी मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।